अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाजरीन व मुस्तमईन, ये साहिल का सवाल है कि मेरा बेटा जीते जी मुझसे जायदाद का सवाल करता है और कहता है कि विरासत में से जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। मैंने अपना मकान लेना है और मैंने फलां चीज लेनी है, और ऐसी बातों पर वो झगड़ा भी करता है और वालिद के साथ बदतमीजी भी करता है, शरीयत की रोशनी में रहनुमाई। तो नाजरीन व मुस्तमईन, सबसे पहली बात यह है कि ये हर दूसरे तीसरे घर का सुलगता हुआ बड़ा ही दुखी मौजूद। दुनिया की हिरस ने, जायदाद की हवस ने और पैसे रुपए की लालच ने इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। फर्क खत्म हो चुका है कि ये बाप है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये हमशीरा है। बस ऐसी हिरस है, हवस है कि बड़े बड़े पाकीजा रिश्तों का खून किया जाता है सिर्फ पैसे के लिए, जायदाद के लिए, विरासत के लिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे बेटे को डूब के मर जाना चाहिए जो जीते जी अपने वालिद को मार रहा है और उसे जायदाद का सवाल करता है। भाई, आपको किसने इजाजत दी है कि आप बाप से विरासत का सवाल, जीते जी बाप से विरासत का सवाल करना, ये कौन सा इस्लाम है? पूरी तारीख इस्लामी में मुझे एक सहाबी बतलाएं, ताबी बतलाएं कि जिसने जीते जी अपने बाप से जायदाद का सवाल किया हो, विरासत का सवाल किया हो। दाढ़ी सुन्नत है, रफुल दैन सुन्नत है, सीने पे हाथ बांधना सुन्नत है, मस्जिद में जाना सुन्नत है। तो ये किसका तरीका है? ये अंदाज आपने कहां से लिया है? ये किसकी सुन्नत है? तो बड़े बदनसीब है जी वो बेटे, अल्लाह की कसम, वो हजारों की जायदाद ले दें, वो कई कनाल जगह ले लें, वो खाइबो खासर है, वो बर्बाद है, इबरत का निशान है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि जीते जी अपने बाप को दुखी ना करें, अपने बाप से आहे ना लें, अपने बाप को परेशान ना करें, वरना जमीन भी आपको जगह नहीं देगी। कई नौजवानों के बारे में शिकायत आती है कि वो बिजली से के बिल से उठकर बाप को गालियां देते हैं। कई जवानों के बारे में पता चलता है वो कई कई साल अपने बाप के साथ मूड सीधा नहीं करते। कायनात के बदनसीब लोग हैं, बदतरीन लोग हैं। उनकी नमाजें, उनकी इबादतें, तमाम चीजें खतरे में हैं अगर आंखों में बाप का हया नहीं है। भाई, पांव दबाया करो, बाप के जूते की गर्दो गुबार साफ किया करो। अल्लाह की कसम, ये करून के खजानों से भी हजार दर्जा बेहतर है। क्या औकात है पैसे रुपए की? क्या औकात है जायदाद की? आपको इल्म नहीं है कि बाप के दिल को दुखी करना ये कितना बड़ा कबीरा गुना है? एक सहाबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि मेरा बाप मेरी इजाजत के बगैर मेरा माल लेता है। तो आज जनाब ने डांटते हुए फरमाया था, अंता व मालो का ले अभी का, तू और तेरा माल ये दोनों तेरे बाप के हैं। तू भी अपने बाप का माल है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। तो नाजरीन और मुस्तमईन, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं कि ये जो एक बड़ी खतरनाक सी बिदत चल निकली है ना दीन में, कि अभी ये जवान बाद में होते हैं, पैसे की हिरसो हवस इतनी दिलो दिमाग में छा जाती है कि बाप का जीना हराम कर देते हैं, माँ का जीना हराम कर देते हैं, और हीले बहाने तराश कर ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं, ज्यादा जायदाद लेना चाहते हैं। तो जिंदगी में जिंदा बाप से विरासत और जायदाद का सवाल करना ये बड़ा खतरनाक सवाल है। और अगर कोई बाप औलाद के हाथों मजबूर होकर अपने माल को तकसीम भी करे तो वो बराबर का तकसीम करेगा। जितना बेटों को मिलेगा उतना हिस्सा बेटी को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि बेटी को आधा मिलेगा और बेटे को डबल मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो मरने के बाद है जब उसका माल तरका होगा, विरासत होगा। जीते जी ये हिबा है। तो अपने वालिद से दुआ लें जी, अपने वालिद का दिल जीतें, अपने बाप पे खर्च करें, लुटा दें अपने बाप पर। अल्लाह की कसम, उनसे जाकर पूछें जिनके पास बाप नहीं है, आप मुझसे पूछें बाप की कदरों कीमत क्या है। बाप काफिर भी हो तो उसको परेशान नहीं करते, बाप जाहिल भी हो तो उसको दुखी नहीं करते, कंगाल भी हो तो बाप को कभी ये एहसास नहीं होने देते कि मेरा बाबा गरीब है और ये मजहबी घरानों का बेड़ा गर्क हो गया है। मैंने बड़े बड़े अच्छे नमाजी दाढ़ी वाले नौजवान देखे हैं कि पैसे रुपए जायदाद के मामले में आके अल्लाह की कसम दरिंदों से ज्यादा बदतर हो जाते हैं। मैं दो दुआएं करता हूं, या इलाहा अलमीन जिनके माँ बाप बीमार हैं, सेहत और ईमान और सादत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमा, और जिनके फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमा।
जो नौजवान अपने बाप से जायदाद का विरासत का ऐसे मुतालबा करता है, ज़बरदस्ती करता है, बदतमीजी करता है, उसको अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह के बंदे, अपने बाप को हज करवा, अपने बाप को उमरा करवा, अपने बाप पे खर्च कर, यही तेरी ज़िंदगी और कामयाबी है। वो थोड़ी देर का मेहमान है तेरे घर में। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालदैन की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुमान माशाल्लाह, बड़ा प्यारा हो रहा है।